कांटा लग गया है एक, तो चलते में दर्द मतलब दिक्कत आ रही है थोड़ा सा, और वजन भी लिया हूँ। हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। तो आप सभी लोग एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है एक तबले ब्लॉग। तो अभी जो है शाम हो चुकी है और समय हो रहा लगभग 4 बज रहा है, और आज जो है मेरे घर में मम्मी पापा जो हैं बाहर गए हुए हैं, कोई मतलब ख़त्म हो गया तो वहाँ बैठने वगैरह गए हैं। तो यहाँ मेरे पीछे देख सकते हो कल पानी गिरा था, आप लोगों को पता ही होगा, तो उसी कारण जो पीछे मैंने जो है ढाक दिया था भूसा वगैरह। और यहाँ देख सकते हो आप मतलब ट्रैक्टर वगैरह खड़ा हुआ है, तो यहाँ पर क्या है गाय के लिए अच्छे से व्यवस्था बनानी है रहने के लिए। तो ये ट्रैक्टर से ट्रैक्टर टाई लगाए थे खाद वगैरह भरने के लिए गोबर वाली, तो ये रही जो भर रहे हैं हम लोग। तो इतनी अभी भर पाई थी फिर मतलब गीली निकलने लगी थी, देख सकते हो उसके बाद जो है गीली निकलने लगी थी तो मैंने नहीं भरा था, तो इतना बस भर पाया था सूखा सूखा। तो उसके बाद जो है मैंने भरना बंद कर दिया रहा। तो दोस्तों अभी जो है मैंने तार लिया हुआ है, क्या है कि बरसीन लाना है शाम के लिए, तो अभी जो है बरसीन नहीं है इसलिए लेने जा रहा हूँ। अभी तो है मतलब अभी के लिए सानी वगैरह रखी हुई है, मतलब कल के लिए, कल सुबह के लिए लेने जा रहा हूँ। वो देख सकते हो मैं चारों डाला खोल के मैं इसको भर रहा हूँ खाद, ये थोड़ा थोड़ा भरेंगे। क्या है यहाँ से दीवार खड़ी होना है, भूसे के लिए नहीं है जगह प्रॉपर, तो अभी देख सकते हो अभी मतलब खुले में ही रखे हुए हैं हम लोग भूसा त्रिपाल ढाक कर। तो उसके बदले मतलब वहीं पर उसके लिए ही एक कमरा बनवा रहे हैं ताकि भूसा वगैरह जो है अच्छे से आ सके यहाँ पर। और गाय के लिए भी आप देख सकते हो वो टूट चुका है मतलब नेट के कपड़े के अंदर, और बस आते ही बंद कर ही वो सारा कुछ गाय नीचे रह रही हैं, गाय भैंस वगैरह, तो उनके लिए भी व्यवस्था बनानी है यहाँ पर, एक भूसे के लिए और एक गाय के रहने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर जो है आप लोगों को साफ साफ सा दिख रहा होगा इतना एरिया, वो रेत रखी और बाकी मटेरियल भी आना बाकी है। तो अभी तो मैं जा रहा हूँ खेत पर, क्या है कि मेरे को लेने जाना है बरसीन। अभी मैं अकेला हूँ घर पर इसी कारण जो है मेरे को ही करना पड़ेगा, और देखते हैं मम्मी पापा शायद आज आ भी सकते हैं शाम टाइम और नहीं भी आ सकते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ, तो चलिए आप लोगों को भी ले चलते हैं बड़े खेत की ओर, जो हमारे गांव में ही है खेत, वहीं पर लगी हुई है बरसीन। तो चलिए चलते हैं, मैंने गाय वगैरह को पानी भी पिला दिया है मस्त, और अभी जो है जाऊँगा खेत की ओर। तो चलिए चलते हैं आपके भी। हेलो गाइस, तो खेत जाते जाते ये मिल गए थे, छोटे छोटे बच्चे मिल गए थे मेरे को, एक ये है छोटा बच्चा और ये लोग बिल्कुल दांत निकाल रहे हैं बहुत तेजी से। अरे सो रहा है अरे कहाँ है। तो दोस्तों अभी मैंने जो है बरसीन भी काट लिया है, जी रखा है गट्ठा, अभी एक मेड़ में रुक गया था, क्या है बेर खाने के लिए, ये लगी है बेर, तो नझरने ही वाली है कुछ समय बाद, तो मैंने सोचा खा लेते हैं, पता नहीं अंगड़ी यार फिर सीधे 8-9 महीने बाद ही मिलनी है 10 महीने बाद। बरसीन काट के लिए आया हूँ, और जो बेर जो है तब अच्छी लगती हैं जब वो ख़त्म होने लगती हैं, जब बहुत सारी रहती तब तो ऐसा लगता है कि अरे बेर ही तो है। तो ये देख सकते हो नीचे बहुत सारी बेर डली हुई हैं पूरे में, और आज का मौसम भी जो है बदली बदली सा रहा, खिली धूप नहीं देखने को मिली अभी तक, मतलब कभी धूप कभी छांव ऐसा कुछ चल रहा है माहौल, एक सा मौसम नहीं देखने को मिल पा रहा है। आ गया हूँ, जो देख सकते हो आप लोग कितनी ज़्यादा पीली हो चुकी, मतलब अब इसको ना सूखने बस को है, यदि धूप कर देता है तो बहुत अच्छी तरह से ये ना सूख भी जाएंगी। अरे देख सकते हो आप लोग कितनी अच्छी लग रही हैं बालियाँ जो हैं, अब तो लगता है कि कितने जल्दी गेहूँ कट जाए,
बार फिर उर्दू की तैयारी करें हम लोग। ऐसा कुछ सीन है यहाँ से, लगभग सारी गेहूं जो है पक चुकी हैं। मैं थोड़ा बेर के लिए रुक गया था, बेर खाने के लिए। क्या है कि पता नहीं कल मिले या ना मिले, कल हम होते हैं या नहीं होते हैं। हमारे बड़े पापा जो हैं वहाँ पर काट रहे हैं, वो वहाँ पर काट रहे हैं सरसों, तरवाई तरवाई में लगाए थे तो वही काट रहे हैं। तो अभी चल रहे हैं, अभी जो है चलते हैं घर। क्या है कि शाम भी हो चुकी है, घर भी जाना है, लगभग 5-6 बज रहा है। तो उठाते हैं, चलते हैं घर। दोस्तों तो मेरे पैर में ना कांटा लग गया है एक, तो चलते में दर्द मतलब दिक्कत आ रही है थोड़ा सा, और वजन भी लिया हूँ सिर पर तो और ज़्यादा दर्द लगा। और चप्पल भी थोड़ा वो तरवरी वाली हैं, आप लोगों को पता होगा लखानी जो होती हैं, तो उससे और ज़्यादा दर्द कर रही है, कर रहा है मेरा पैर। तो अभी तो जाता हूँ घर। तो यदि आप लोगों का लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जो है शाम हो चुकी है और मैं यहीं पर ब्लॉग को एंड करूँगा। क्या है कि अभी जो है रात हो होने वाली है, तो उतना ज़्यादा वीडियो क्वालिटी भी सही नहीं आएगी। तो अभी मैं जा रहा हूँ घर पर। तो दोस्तों आप लोगों का आखिर तक बने रहने के लिए मेरे इस ब्लॉग में बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मिलेंगे अगले ब्लॉग पर। अभी हमारी बरसीन भी पहुँच जाएगी गाय तक। मैं कल के लिए बरसीन लाया था वैसे तो, और यहाँ से घर जो है थोड़ा दूर पड़ जाता है, इसलिए जो है मतलब यदि पास में खेत होते तो अच्छा रहता। क्या है कि दूर से लाने फिर वजन लगता है। अभी तो मैंने कम लाई थी, ज़्यादा नहीं लाया है, इतना कि मतलब कल सुबह के लिए बस हो जाए। तो दोस्तों यदि आप लोगों को ये मेरा छोटा सा ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।